में आगे बढ़ेंगे। ग्रुप डी में भर्ती को लेकर के सीएम ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें सीएम ने लिखा कि रोजगार देने का सिलसिला लगातार जारी है, मेरिट पर रोजगार देने का काम किया जा रहा है, भर्ती रोको गैंग की तमाम बाधाओं को लगाम लगाने का प्रयास भी किया जा रहा है और 3,770 प्लस युवाओं का ग्रुप डी के लिए चयन, पारदर्शिता के साथ भर्ती जारी रहेगी। सीएम ने ये बातें अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3,770 प्लस युवाओं का ग्रुप डी के लिए चयन और पारदर्शिता के साथ भर्ती जारी रहेगी। ये बड़ी बातें यहां पर सीएम नायब सैनी की तरफ से कही गई हैं सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से। ग्रुप डी में भर्ती को लेकर के सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है। ग्रुप डी में भर्ती को लेकर के उन्होंने कहा कि रोजगार देने का सिलसिला लगातार जारी है और यूं ही चलता रहेगा, मेरिट के आधार पर रोजगार देने का सिलसिला चल रहा है, भर्ती रोको गैंग की तमाम बाधाओं पर लगाम लगाते हुए इन्हें रोजगार दिया गया। सीएम ने जो अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, उसमें लिखा गया कि भर्ती रोको गैंग की तमाम कोशिशों और बाधाओं को पार करते हुए हरियाणा सब सिलेक्शन कमीशन का मेरिट पर युवाओं को धड़ाधड़ रोजगार देने का सिलसिला अनवरत जारी है। 3,770 प्लस युवाओं का ग्रुप डी के लिए चयन हुआ है, योग्यता के आधार पर आप सबने ये मंजिल हासिल की है, हरियाणा सरकार पारदर्शिता के साथ मेरिट पर सरकारी नौकरियों में भर्ती यूं ही करती रहेगी, युवा सिर्फ अपनी मेहनत लगन और तैयारी पर ध्यान देते रहें।